अब तक आपने देखा। सुनिए, इस प्रज्ञा सिंह अहलावत का ब्याह होगा वरदान के साथ, वो भी अभी इसी वक्त। हमें तो बस यो जल्दी से कि हम जल्द से जल्द प्रज्ञा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप समय पे आ गए, इन दोनों को हिरासत में ले लीजिए। अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। यो के हो रहा से। प्रज्ञा सिंह अहलावत सुपुत्री से कैलाश सिंह अहलावत का ब्याह बड़ों के छोटे भाई वरदान सिंह दाहिया के साथ संपन्न हुआ से। अरे पंडित, यो के बोल रहा है तू? होश में आके बोल, आई सिमंद में। अच्छा, तो ये है अहलावत खानदान का असली चेहरा। एक तरफ तो हम जैसे ईमानदार लोगों के साथ अपनी लड़की का रिश्ता तय करते हैं, ढोंग करते हैं, और उसके बाद इसी समाज से चोरी छिपे किसी और लड़के से शादी करवाते हैं। क्या नया तरीका ढूंढा है आप लोगों ने हमारी बेइज्जती करने का? ना ना भाई साहब, ऐसी कोई बात ना सर, बल्कि यो सब जो हो रहा है ना, इसके भुनक हमें भी ना थे। एक मिनट सब चुप हो जाओ। सरपंच साहब, आप मन्ने बताइए, बात क्या है? वो क्या है रघुवीर जी, अकिया थारी छोरी है ना प्रज्ञा, या भाग के ब्याह रचा रही थी। अभी संभल। और ये भाग के यहाँ मंदिर में आ गई, और इसका वो दूल्हा है ना, वो भी इसे छोड़कर भाग गया, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। इसलिए पंचायत के फैसले के अनुसार पंचायत की सहमति से इसका ब्याह वरदान से कराए मारी मौजूदगी में। ये क्या कह रहे हो सरपंच? कोई मारी छोरी को धोखा देके चला गया है, तो आपने मारी छोरी का ब्याह किसी से भी कर दी? बिना सोचे बिना समझे सरपंच साहब कैसे? तू जानता है एक छोरी की जिंदगी में ब्याह का माने क्या होता है, क्या महत्व होता है? थारे से मरे को जो उम्मीद न थी। अरे यार, ये तो बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब तो सबको पता चलने वाला है कि प्रज्ञा मेरे साथ ही भाग के शादी करने वाली थी। फिर तो इसके पहलवान भाइयों को पता चल जाएगा और मुझे पाताल से ढूंढ के मारेंगे, और फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या करूं क्या करूं? आइडिया। अरे अहलावत खानदान की छोरी होकर ये घटिया काम करते हो, तने जरा भी नहीं सोचा? बोल, कौन सा वो छोरा?
और ये सरपंच जी क्या बोल रहा है? तू तेरा को छोरा छोड़ के क्यों भाग गया? बोल जवाब दे, जवाब दे, नहीं तो जिंदा काट दूंगा तेरे को। बोल। बस कैलाश जी बस, बहुत हो गया आपका ये नाटक। एक बात ध्यान रखिए, आज के बाद हमारे गांव से आपके गांव सिरसा में ना तो कोई बारात आएगी और ना ही कोई डोली उठेगी। और हाँ, इस बेइज्जती को हम भूलेंगे नहीं, इसका बदला लेकर रहेंगे। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों की ऐसी बेइज्जती की है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अरे आपका तो बेटा, हमारी तो बेटी है। बस बहुत हो गया आप लोगों का नाटक। एक तो वो मंदिर के बाहर का लड़ाई झगड़ा और उसके बाद ये भगोरी दुल्हन की शादी। बस चलो ऐसे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। ना भाई साहब, आप किसी के आगे हाथ में जोड़ेंगे ना किसी के सामने जुड़ते आएंगे। माना किए लड़के वाले, तो क्या इनके मन में जो आएगा ये कहेंगे क्या? एक बात बताइए भाई साहब, हमारी छोरी की जगह अगर आपकी छोरी होती तो आप क्या करते? बात को घुमाने की कोशिश ना करो भाई साहब। चलिए जी, ऐसे लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं। ना बहन जी, एक बार बात तो सुनने की कोशिश। नहीं मालती, चुप जाइए। चलो चलो बेटा। पर चुप मालती, चुप। भाभी भाभी, क्यों बुत बन के क्यों खड़ी हो? बोलो ना कुछ। कमला भाभी, रो मेरी छोरी भगोड़ी दुल्हन, भगोड़ी दुल्हन क्या? जी का ये दोनों भाग के ब्याह करने चले थे, सब बर्बाद कर डाला इन्होंने। तेरी यो मजाल का तो ना भाभी, ना गुस्सा को शांत कीजिए, पहले यहाँ बात कुछ हो चुका है, घर चलते हैं, घर पे बात करते हैं। उठ प्रज्ञा, चल चलो घर, मालती भाभी को लेकर चल।
हाँ राम राम माँ बोलो। अच्छा सुन छोरी, मन्ने ना थारे को एक बड़ी अच्छी खबर सुनानी छे। खबर? हाँ छोरी, ओ कहते हैं ना ओ टीवी पे के कहे से ओ ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल ऐसी ही मैं ना थारे को सुनाऊंगी जैसे टीवी पे सुनाऊ। माँ जल्दी बताओ के ब्रेकिंग न्यूज है, मारे से तो रहा ना जा रहा। कि अपनी जो प्रज्ञा है ना वो किसी छोरे के साथ भाग के शादी करने वाली थी। वो तो ऐन वक्त पे वो छोरा उसे मंदिर में छोड़ के भाग गया और अपनी प्रज्ञा बढ़ गई गांव वालों के हाथ, पंचायत के हाथ। पंचायत ने उसे भगोड़ी दुल्हन मान लिया। हे भोलेनाथ माँ, अब पंचायत ने प्रज्ञा को भगोड़ी दुल्हन घोषित कर दिया, फिर तो उसका ब्याह किसी बूढ़े खूसट ताऊ से करा दिया होगा। मन्ने यूं तो खबर से कि उसका ब्याह हुआ, पर मन्ने यूं ना पता से कि उसका ब्याह किससे हुआ। तू ना आज सांझ तक बस रुक जाए, फिर तन्ने खुद ही पता चल जाएगी ब्रेकिंग न्यूज कि वो कौन सा खूसट बूढ़ा थे जिससे उसका ब्याह हुआ। अच्छा मैं ना अभी रखती हूँ फोन, मारे फोन की बैटरी भी जड़ा दो उसे। हाँ छोरी। अच्छा अपना ध्यान रखियो। यो तो बड़ा ही अनर्थ हो गया से, बहुत ही बुरा हुआ। अभागी प्रज्ञा के दिल पे के बीत रही होगी, बेचारी का जीवन नरक हो गया और कमला भाभी को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। यो सब सुनकर उसके पैरों के तले की जमीन ही फिसल गई होगी। अरे माँ जी उन लोगों को छोड़ो, आप तो शुक्र मनाओ कि आपकी लाडली बेटी बड़ों का कोई हाथ ना था यो सब में। अगर उसका हाथ होता ना इसमें तो इब तक तो उसके मायके लौट आने की नौबत आ जाती। चुप कर, कुछ भी बोलती है। मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। कोमल के परिवार वालों पर किसी विपदा टूटी होगी। अभी वरदान को भी फोन लगाना ठीक ना होगा, बेचारा यो सब सुनेगा तो परेशान हो जाएगा। और कोमल को भी फोन ना लगा सको क्योंकि उसके घर के सभी सदस्य बहुत ही परेशान होवेंगे। इब तो मारी भोलेनाथ से यही प्रार्थना से भाई कि बेचारी प्रज्ञा को यो दुख सहन करने की शक्ति देवे और छोरी जिस घर में भी जावे उसे कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो। परेशानी माँ, वो परेशान करने वालों में से है, होने वालों में से ना है। इतनी बोली ना समझो आप उसको, और वो इतनी आराम से सुधरने वाली भी ना है। देखा ना आपने अपने माँ बापू के नाक के नीचे कैसा कांड कर दिया उसने। आप तो भोलेनाथ को प्रसाद चढ़ा के आओ कि हम बच गए उस प्रज्ञा के प्रकोप से। मती मारी गई थी हमारी, पता नहीं किस गलत फहमी में वरदान का रिश्ता लेके चले गए उसके लिए। राम राम, अगर ऐसा हो जाता ना माँ जी तो हम दोनों कहीं पे बैठ के ना वो चक्की पिसारी होती। अच्छा हुआ मारे माथे यो कलंक ना लगा, भगोड़ी कहीं। बस कर, जब बोलना शुरू होती है तो बंद ही नहीं होती। काम करने की तो आदत सी पड़ गई है, चैन ही ना आवे। प्रज्ञा का रिश्ता टूटने के कारण माँ जी और मैं घर में किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। ऊपर से यूं अलग सवाल, इस गधे के चक्कर में मारी बोरिया बिस्तर ना उचावे इस घर से। हे भगवान बचा लो मन्ने। दुल्हन के जोड़े में वरदान, मास्टर जी के गले में वरमाला, यो सब क्या हो रहा है? मारे को तो कुछ समझ ना आ रहा।
कोमल बेटा, सब्र का बांध टूटा जा रहा है। सही सही बता क्या हुआ था, ये प्रज्ञा का ब्याह वरदान से कैसे हो गया? बाबूजी जब तक मैं वहां पहुंची तब तक बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। ये चीखने चिल्लाने से कुछ ना होगा बड़ो, दो छोरे भगोड़े दुल्हन हो चुके से, जब इस पर पंचायत का अधिकार से। सबके सामने अपनी जान अपनी मर्जी से देगी, ये पंचायत का दूसरा विकल्प पंचायत के द्वारा चुने गए व्यक्ति से ब्याह करेगी। मैं प्रज्ञा सिंह अलावत सरेआम अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। जान देने से तो अच्छा है कि पंचायत द्वारा चुने गए छोरे से ब्याह कर। इब यहाँ ऐसा कौन सा छोरा होगा जो इस बेचारी प्रज्ञा से ब्याह करेगा? मैं करूँगा प्रज्ञा सिंह अलावत के साथ ब्याह। प्रज्ञा तेजी जी के कहने पे ही उनसे मिली थी मंदिर में उनसे ब्याह करने, पर फिर उसके बाद तेजी जी निकल गए और हालात ऐसे थे कि मन ने प्रज्ञा का ब्याह वरदान से कराना पड़ा। ये? की शादी वरदान से हो गई। राणा भाई लक्की जी कहाँ है? भाभी वो लक्की भाई ने तो राणा भाई को और हमें पुलिस स्टेशन से जबरदस्ती यहाँ भेज दिया। लक्की भाई ने कहा था कि राणा भाई का घर में होना आज जरूरी से, क्योंकि उनकी छोटी बहन की सगाई से। ये तेजी कहाँ है? वो अंदर। राणा बेटा रुक, बताऊं तुझे कौन हूं मैं? राणा जी मेरे भाई को छोड़ दो, राणा जी जान दो, हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। छोड़ दो इसे, इसकी वजह से हमारी बहन की जिंदगी खराब हुई है और आप बोलते हो छोड़ दो इसे। हमारी बहन को लेके भागेगा तू? राणा भाई आप मुझको माफ कर दीजिए, मैं प्रज्ञा जी से प्यार करता हूँ और आपके परिवार वालों से बात करने की मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए उसको मैं लेके भाग गया। सुन मेरी बात, अपनी यो गंदी जबान से ना हमारी बहन का नाम मत लेना, और तुझे ना मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट में अपना ये सामान उठाए यहाँ से और निकल ले यहाँ से। अगर तू मुझे 2 मिनट बाद यहाँ कहीं दिख गया तो पिंकी जी की कसम खा के कहते हैं कि थारा सर ना थारे धर से अलग करके चौराहे पे लटका दूंगा, समझा? को पहले क्यों ना बताई, तेरे को क्या लगा कि हम तेरे को मार डालेंगे? मैंने बताया था, तेजी जी और मैंने दोनों ने बहुत कोशिश की थी कि सबको सब बता दे, यहां तक कि मैंने इस मामले के बारे में लक्की भाई को भी बता दिया था। अच्छा अब समझ में आया कि लक्की जी ने अपने वकील से तेजी जी के लिए बात की थी, वो बेकार जमीन पर तेजी जी के लिए फैक्ट्री लगाना चाहते थे और बगलवाड़ी जमीन पे उन दोनों के लिए घर भी बनाने वाले थे। और मारे को और तेजी जी को यूं भाग के शादी करने का फैसला बड़ू भाभी की वजह से लेना पड़ा। प्रज्ञा आज मारे को इनकी वजह से भगोड़ी दुल्हन बनना पड़ा।
इन सब की जिम्मेदार सिर्फ ये बड़ों भाभी से। हे भोलेनाथ, यो सब सुन के तो घर वाले कोमल दीदी का जी नहीं मौल कर देंगे, और अगर लक्की जीजा जी को यो बात पता चल गई तो कतई को राम मच जाएगा। सिर्फ आप ही दीदी का सहारा।